Dear students, how are you? You might be keeping fit and might be keeping healthy and happy also. बच्चों आज का जो वीडियो होगा हमारा मोल फ्रैक्शन पर होगा और मोल फ्रैक्शन पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उन पर होगा. तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखेंगे. तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो पहले एक बार मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे हम. मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, दैट मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट present in the solution ratio of moles of any component present in the solution to the total moles of components present in the solution. मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है. इट इज अ रेशियो ऑफ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट का इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ any component present in the solution to the total moles of all the components. जितने भी components होंगे उनके total moles से हम अगर divide कर देते हैं किसी भी component के moles को तो जो ratio मिलेगा उसको mole fraction कहेंगे. चूंकि ये moles का ratio है इसीलिए unit less quantity है और ये concentration term है. तो अगर हम इसको लिखना चाहे और it is represented by chi. तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें, x कंपोनेंट मींस व्हाट, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट. x कंपोनेंट का मतलब ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट. तो कोई भी कंपोनेंट हो उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, moles of that component divided by total moles of all the components present in the solution. तो अगर हम इजीली लिखना चाहें, थोड़ा इजी वे में लिखना चाहें तो इट इज इक्वल टू द एन कंपोनेंट मोल्स ऑफ कंपोनेंट, एन मींस मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, दैट इज टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट के मोल्स का हम सम कर देंगे. तीन कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट्स के मोल्स का हम सम करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे. चूंकि मोल्स हैं यूनिटलेस क्वांटिटी है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है. अच्छा हम लोग जो है बाइंड्री सॉल्यूशन, अगर बाइंड्री है तो दो कंपोनेंट होंगे दोनों कंपोनेंट के मोल्स का सम होगा. अगर टर्नरी है तो तीन कंपोनेंट होंगे तीनों कंपोनेंट के मोल्स का सॉल्यूशन होगा. लेकिन बोर्ड पर्पस से हमारे पास बाइंड्री सॉल्यूशन है तो बाइंड्री सॉल्यूशंस के लिए ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से. बाइंड्री सॉल्यूशंस के For binary solutions,
अब यहाँ पर अगर लिखे कंटेनिंग सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एब्सोल्यूट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इट विल बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होंगे, अब हमें पता है कि सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट कौन से हैं, मोल्स और सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो उनके मोल्स से हम डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर एन सॉल्यूट या एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, इसको इक्वेशन वन बनाते हैं। तो बच्चों कभी भी अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर, जो भी इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल्स होंगे, उन न्यूमेरिकल्स में आप पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आप मोल्स फाइंड आउट कर लीजिए और फिर यहाँ पुट अप कर दीजिए और यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, वैसे तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वन, लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे पूछते कि सर वो कैसे बना गया, ये 11th में कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर भी एक बार हम देखेंगे। जैसे सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जैसे अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे तो इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, इसकी जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल्स में, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की क्वेरी रहती है कि नहीं सर ये कैसे आ गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्वेश्चन वन, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालें तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, आप दोनों को ऐड कर दो, एडिंग वन एंड टू अगर दोनों को ऐड करते हो तो आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज क्या है, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट, एन मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दिस द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट इज हाउ मच, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यू कैन सी दैट the denominator term is same, so the numerator and denominator becomes n solute plus n solvent divided by n solute plus n solvent। अब देखिए divide हो जाएगा, cut होगा, तो therefore मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज ऑलवेज वन, हमेशा वन होता है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले से एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लीजिए, दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पुट करिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट equals to 1 minus mole fraction of solute, बस ठीक, ऐसे find out कर लीजिए, okay। तो ये तो था concentration term, mole fraction, और आप देख रहे हैं कि mole fraction का कोई
क्वांटिटी नहीं, यूनिट लेस क्वांटिटी है, रेशियो है, एंड इट इज अ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कॉम्पोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। बाइंडिंग सोल्यूशन के लिए है, टर्नरी के लिए तीन जुड़ जाएंगे, ऐसे करते कर सकते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं, तो पहले तो हम बोर्ड पर्पज से जो न्यूमेरिकल्स है, बोर्ड में अगर पूछा जाएगा तो कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो हम पहले देख लेते हैं। ओके, फिर परसेंटेज के दो न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक न्यूमेरिकल्स, अब हम न्यूमेरिकल देख पहला न्यूमेरिकल बुक से मिलता जुलता जो आपके बुक में है वही न्यूमेरिकल हम करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन आपको फॉर्मूला आता होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH2Cl2 एंड ट्राइक्लोरोमीथेन। अच्छा, ट्राइक्लोरोमीथेन को हम क्या कहते हैं, द ट्राइक्लोरोमीथेन इज आल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म एंड द फॉर्मूला इज CHCl3। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन इन द सॉल्यूशन इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स डाइक्लोरोमीथेन एंड 5 ग्राम ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन दैट इज क्लोरोफॉर्म। दिस अ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं किसके, डाइक्लोरोमीथेन के और क्लोरोफॉर्म के, तो हम क्या करेंगे, किसी एक के मोल फ्रैक्शंस पहले फाइंड आउट कर लेंगे और दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस 1 में से माइनस कर सकते हैं, करेंगे, कर नहीं सकते, करेंगे ही। तो देखिए फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला इसलिए हम लिख रहे हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि आपको कौन कौन से टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। दिस इज इक्वेशन 1, आपको मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले और मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म दोनों फाइंड आउट करने। तो हम ऐसा करते हैं, इस तरफ एक लाइन खींच लेते हैं और यहां पर सॉल्विंग पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, मास ऑफ CH2Cl2, और ये किस में होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH2Cl2। मास ऑफ CH2Cl2 इज 40 ग्राम। अच्छा बच्चों, मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, कार्बन का 12, दो हाइड्रोजन का 2, 14 हो गया, एक क्लोरीन का 35.5, दो क्लोरीन का हो गया आपका 71 और 14, 85, इट बिकम्स 85 ग्राम पर मोल। देखिए ग्राम से ग्राम गया,
5 से डिवाइड करिए, 5 एट जब 40, 5 वन जब 5 17, 8 बाई 17, इट इज 8 बाई 17 मोल। डिवाइड करने पर हाउ मच इट विल कम, तो अगर हम डिवाइड करें तो 0.47 मोल हमें डाइक्लोरोमीथेन के मोल्स पता चल गए हैं। ऐसे ही अब हम क्लोरोफॉर्म के मोल्स फाइंड आउट करेंगे। यहां से क्वेश्चन थोड़ा मिटा देते हैं और ऊपर ये कैलकुलेशन कर देते हैं। ओके, सेपरेटली बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी एक लाइन खींच लेंगे। अब यहां पर हम मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 5 ग्राम। अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हो तो एक क्लोरीन का 35.5 है, तीन क्लोरीन का 106.5 होगा। 106 प्लस 13 119.5 ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम से ग्राम हटाइए, पॉइंट भी हटा दीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो ये 1195 और पॉइंट हटाया तो ये 10 से मल्टीप्लाई। 5 से डिवाइड करिए, 5 टू जा 3 जा 9 जा कम्स टू बी 10 बाय 239 मोल्स। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं कम्स टू बी 0.042 कर लेते हैं, 418 मोल, तो इट विल बी 0.042 ले लेते हैं। ओके, देखिए बच्चों अब हमें डाइक्लोरोमीथेन के भी मोल्स पता है और ट्राइक्लोरोमीथेन दैट इज क्लोरोफॉर्म के भी मोल्स पता है, दोनों को यहां रख दीजिए। देयरफॉर मोल फ्रैक्शंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड दे आर 0.470 कर ले, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन 0.470 प्लस 0.042, नो यूनिट प्लीज, कोई भी यूनिट नहीं है। तो कैलकुलेट करने के बाद 0.470 डिवाइडेड बाय 0.512, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 470 अपॉन 512। ओके, जब आप डिवाइड करेंगे आई थिंक 0.917, दीज आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। अब आप मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म फाइंड आउट करिए, जैसा कि फार्मूला आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ, चूंकि बाइनरी सॉल्यूशन है दो ही कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो हमेशा 1 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन प्लस मोल फ्रैक्शंस ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन इज इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, वैल्यूज पुट करिए, मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस 0.917 इक्वल्स टू 1। Therefore, mole fractions of chloroform equals to 1 minus 0.917. It comes to be 0.083. तो यहां से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, इसमें
कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसके मोल फ्रैक्शंस ज्यादा होंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, या फिर आप बिल्कुल एकदम वन क्वेश्चन आंसर अगर है, वन मार्क क्वेश्चन है, तो वहीं से पूछेंगे नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होंगे उसका ही मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा रहे, डाइक्लोरमीथेन के, और ट्राइक्लोरमीथेन के नंबर ऑफ मोल्स कम, तो वहां से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल के कह सकते हैं यस डाइक्लोरमीथेन के जो जो मोल फ्रैक्शन या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन अगर वो फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो होगा हमारा वो परसेंटेज पर होगा। परसेंटेज अगर परसेंटेज दे रखा है, मास परसेंटेज दे रखा है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम कैसे करेंगे? सिंपल बच्चों, भाई कुछ भी हो, आप जो भी कंपोनेंट है उनके मोल्स फाइंड आउट कर लो, और मोल्स फाइंड आउट करने के बाद में उनकी वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। क्वेश्चन टू, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑफ सुक्रोज, यू माइट बी नोइंग सुक्रोज इज शुगर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ सुक्रोज and water in 2% sucrose solution। तो बच्चों इससे आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने के लिए जो भी कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है, एक तो सुक्रोज है, सुक्रोज सल्यूट है, एंड वाटर आपका सॉल्वेंट है, दोनों के मोल्स फाइंड आउट करो, और मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको उनका मास पता होना चाहिए। तो जो मोल फ्रैक्शन मास परसेंटेज से हमने इंटरप्रिटेशन सीखा था उसको ही अप्लाई कर देते हैं। 2% सुक्रोज सॉल्यूशन का मतलब क्या, 2 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। दिस आर इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेंटेज, सॉल्यूशंस कंटेनिंग परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स, देयरफॉर सुक्रोज इज योर सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज 2 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, भाई दोनों ही कंपोनेंट का आपको मास चाहिए होगा, और सॉल्वेंट क्या है, इट इज वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट इट इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच, 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इज 2 ग्राम, दैट इज 98 ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज मास ऑफ वाटर इज 98 ग्राम। इसको सेपरेटली हम लिख लेते हैं, मास ऑफ सुक्रोज, यहां डायरेक्टली आप सेपरेटली लिखिए, it is 2 gram, mass of water it is 98 gram। तो पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज फाइंड आउट करते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर C12H22 O11, it will be equals to moles of sucrose divided by total moles of all the components present in the solution। उस solution में किसके किसके sucrose और water के component है, तो moles of sucrose plus moles of water। बच्चों ये find out कर लीजिए, और फाइंड आउट करने के लिए के बाद में वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम अलग से इसको फाइंड आउट, सेपरेटली फाइंड आउट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज
फार्मूला लिखे C12H22O11 इक्वल्स टू मास ऑफ सुक्रोज शुड ऑलवेज बी इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ C12H22O11 वैल्यूज फाइंड पुट करिए. सुक्रोज का मास 2 ग्राम है और अगर आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स टू बी 342 ग्राम पर मोल. हाँ हाँ कैलकुलेट कर लीजिए अपना करीब ग्राम से ग्राम तो इट विल कम 1/171 मोल. अगर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में रखेंगे तो आगे यहां पर प्रॉब्लम आएगा इसलिए डेसिमल में चेंज करिए. 0.0058. हाँ कैमरामैन मेरी हेल्प कर रहा है कैलकुलेट करने में, आप हेल्प मत ले. ही इज हेल्पिंग मी इन द कैलकुलेशंस बट प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर्स क्योंकि बोर्ड में आपके लिए पास कैलकुलेटर्स नहीं होंगे, आप अपने आप से कैलकुलेट करें. नाउ अब हमारा काम होगा मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना. बच्चों प्लीज बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मत करना वन में से माइनस कर दो सर इतने हैं. ठीक है नो ये गलत है, कभी नहीं चलेगा. हाँ मोल फ्रैक्शन का सम वन होता है लेकिन मोल्स के जो कंपोनेंट है उनके मोल्स का सम कभी भी बन नहीं होता. अब हमें मोल्स मोल फ्रैक्शन सॉरी बच्चों यहां पर हमने साइन गलत लिखा है, शुड बी एन मोल्स ऑफ, शुड बी मोल्स ऑफ, साइन थोड़ा चेंज कर ले. यस अब हम मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे. NH2 दिस वर द मोल्स ऑफ शुगर, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा हो सकता है इग्नोर कर दिया मैंने. मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, H2O लिख सकते हैं चाहे तो आप कैसे भी. मास ऑफ वाटर इज 98 ग्राम एंड मोलर मास इज 18 ग्राम पर मोल. ग्राम से ग्राम इट इज 98/18 मोल. कैलकुलेट करने पर 18 × 5 = 90 तो इट विल कम 4 × 5.44 मोल. बच्चों देखिए हमें मोल्स ऑफ सुक्रोज भी मिल गए हैं, मोल्स ऑफ वाटर भी मिल गए हैं. अब इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए, अगर आप चाहें तो यही रखते हैं. दिस इज मोल्स ऑफ सुक्रोज 0.0058, फोर डेसिमल पॉइंट तक है तो अब वहां 5.44 आएगा. तो अगर हम चाहें तो 0.0058 प्लस 5.44 आता रहेगा, 4444 ऐसे करके ये रिपीट होता रहेगा. अगर हम लिखना चाहें तो ये 5.444. अच्छा ऐसा क्यों करें, क्योंकि डेसिमल के 4 डिजिट तक है तो इसलिए भी हम डेसिमल के 4 डिजिट तक इसको कर लेंगे. द फॉर मोल फ्रैक्शंस ऑफ सुक्रोज (0.0058)/8 = 12 (5 = 9) (0) = 50 it will become 1 (40) फिर 8 = 12 (4 = 9) (0) 5
प्लस वन, फोर प्लस वन फाइव, फोर फाइव पॉइंट फोर फाइव जीरो टू, पॉइंट आइए 58 डिवाइडेड बाय 54502. ओह माय गॉड, तो इट विल बिकम 0.000 58 से डिवाइड करिए 54502, पॉइंट लगाइए 0100. ओके ठीक ठीक 0.00106. आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ माय कैमरामैन, लेकिन आप हेल्प ना ले. ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज कितने आ गए, द फोर मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर एज यू नो, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज दैट इज ऑलवेज 1, वैल्यूज पुट कर दीजिए, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड आउट कर लीजिए. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज, दैट इज हाउ मच 1 माइनस 0.00106, it comes to be 4.98. Means water has got more concentration than the sugar. Okay, and such solution, ऐसे solution को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर बोलेंगे, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है. तो बच्चों ऐसे हमने दो न्यूमेरिकल कर लिए, अब मैं तीसरा न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में देता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा, और आप लोग जो भी मुझे सब्सक्राइब किए हो, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरा नंबर होगा पर्सनली, इस न्यूमेरिकल को आप कर कर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पर्सनली. ओके तो तीसरा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं. Calculate the mole fractions of urea. Formula I'm writing NH2CONH2 in 1% in 1% urea solution. ठीक है, ये आप क्वेश्चन खुद करेंगे बच्चों. जैसा देखा कि आज के हमने उसमें वीडियो में मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो अगर आप चाहें थोड़ा सा हम इसको रिवाइज भी कर लेते. मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. और आप देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस करने के लिए आपको जो भी कंपोनेंट है उनके मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1. हाँ थोड़ा बच्चों जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ वहाँ गर्मी है, वैसे आप देख रहे होंगे पसीना भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, और बच्चों ये करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिट रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, और साथ में पढ़ते भी रहिए, और लॉकडाउन के मजे भी उठाते रहिए. थैंक यू वेरी मच.